गुरु ने पठाया चेला, लाना झोली भर के। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्की छोड़ के लाना, लाना झोली भर के। गुरु ने पठाया चेला, लाना झोली भर के। दूसरी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना हांडी भर के। गुरु ने पठाया चेला, लाना झोली भर के। तीसरी भिक्षा लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना, सूखी गीली छोड़ के लाना, लाना गट्ठर भर के। गुरु ने पठाया चेला, लाना झोली भर के। चौथी भिक्षा जल की लाना, कुएं बावली पास न जाना, ताल तलैया छोड़ के लाना, लाना तुमड़ी भर के। गुरु ने पठाया चेला, लाना झोली भर के। नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक नए उपन्यास के साथ जिसका नाम है काशी का 80। और इसके राइटर हैं काशीनाथ सिंह, जो कभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर भी रहे और वहीं से इनकी शिक्षा और दीक्षा दोनों हुई और फिर वहीं पर ये कार्यरत भी हुए। इस पुस्तक को बताने से पहले मैं काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखी हुई चेतावनी पहले पढ़ के आपको सुना देता हूं, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि यह पुस्तक आपको पढ़नी है या नहीं। मित्रों, यह संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, और उसके लिए भी नहीं जो यह नहीं जानते कि 80 और भाषा के बीच ननद और भौजाई और साली और बहनोई का रिश्ता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार सख्त निर्देश है कि इसे कौन पढ़ सकता है। ये जो पुस्तक है, ये मेरे पास 13वां संस्करण है इस पुस्तक का और 10 साल में ये पुस्तक लगभग 25,000 प्रतियों से ज्यादा बिक चुकी हैं। और ये राजकमल पेपरबैक्स द्वारा इसका प्रकाशन है। इस पुस्तक को मैं कहां तक बताऊं, इसमें कई कहानियां एक साथ चलती हैं। हर कहानी का हर पात्र के कहे गए हर वाक्य शायद अस्मरणीय है और जीवंत है। वो ऐसा लगता है कि जैसे सजीव हैं। जैसे मैं कुछ आपको बताऊं, अगर कहूं तो एक इसमें पात्र है कन्नी गुरु। तो कन्नी गुरु कहते हैं कि बनारस का चार चीज बहुत फेमस है, बनारस की गंगा, बनारस के पंडा, बनारस का पान और बनारस की जबान। कन्नी गुरु ही कहते हैं इस उपन्यास में, इस किताब में, कि जो बजा बनारस में वो पेरिस में ना फारस में। इस पुस्तक का जो मेन केंद्र बिंदु है वो है धर्मनाथ पांडे। धर्मनाथ पांडे एक ऐसे पंडित के तौर पे हैं जो बहुत कट्टर हैं। इसमें काशीनाथ सिंह भी वहीं रूम लेके रहने के लिए आते हैं, यानी 80 पे। पूरी घटना 80 के इर्द गिर्द और 80 के पंडों के बीच घूमती रहती है। उस समय के मेन मुद्दे मंदिरों ही बनाएगा भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो जब धर्मनाथ पंडे का धर्म डोलने लगता है तब धर्मनाथ पंडा बोलता है, हमारे पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं सिखाई और हमें ऐसे छोड़ दिया आज के जमाने में संघर्ष करने के लिए। मुझे आज नौकरी से निकाला जा रहा है, कारण यह है कि उन्हें ऐसा शिक्षक चाहिए जो अंग्रेजी और संस्कृत एक साथ पढ़ा सके, मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाऊंगा। इसी का, यानी कि इस पुस्तक का ही एक पात्र है निकवा, जो कि एक नाई है। वो 80 में घूम घूम के दाढ़ी मूछे बाल बनाता है। वो एक अंग्रेज के संपर्क में आके अंग्रेज विदेश चला जाता है, अमेरिका चला जाता है और वहां जाकर एक बाबा बन जाता है। जब बाबा बन के वापस आता है और धर्मनाथ पांडे से मिलता है तो धर्मनाथ पांडे कहते हैं कि ये करताल बजाकर और इन अमेरिकनों के लेके तू क्या बेच रहा है। तो कहता है कि जैसे डॉक्टर तेल और साबुन, क्रिकेटर कपड़ा लत्ता और मोटर गाड़ी, नेता देश और भूखा ईमान बेचता है, वैसे ही मैं विदेशियों को योग बेचता। वो आगे कहता है कि दुनिया एक बड़ा बाजार है, पहले समाज में एक बाजार होता था, अब बाजार में एक समाज है। जो धनवान है वह गुणवान है, जो निर्धन है वह समाज का कचरा है। ये मेरे पक्ष शब्द नहीं है, ये इस पुस्तक से उद्धृत निकवा के शब्द हैं।
यह ज्ञान की उपासना करने वाले, इस पुस्तक से काशीनाथ सिंह कहते हैं कि इस ज्ञान, यहां ज्ञान की उपासना करने वाले भूखा मरता है और पाखंड की पूजा जो करता है वह मजे में रहता है। करप्शन, यहां एक और पात्र आता है, यानी कि तन्नी गुरु है। तन्नी गुरु कहते हैं कि करप्शन तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है। और तन्नी गुरु ये भी कहते हैं कि 80 पर कहीं लोकतंत्र है तो बस पप्पू के दुकान पर। और इस देश में दो ही संसद है, एक दिल्ली में और दूसरी पप्पू की दुकान पर। क्योंकि बनारस की चाय की दुकानें काफी फेमस हैं, आप जानते होंगे, और उसी की वजह से साहित्य में बनारस छपा पड़ा है। जिसे तुम गाली कहते हो वो 80 की राष्ट्रभाषा है, इसका एक पात्र निकल के कहता है, मुझे गालियों से बड़ी नफरत है, हो सकता है आपको भी रही हो या हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह पुस्तक पढ़ने के बाद आपको गालियों से प्यार जैसा हो जाएगा। इसमें गालियां कूट कूट के तो भरी ही हैं, लेकिन हां इसकी जो भाषा है वही इस पुस्तक की जान है, जो आपको एक मिनट भी इधर उधर देखने नहीं देती है, बांधे रहती है। इस पुस्तक का सबसे मजेदार कैरेक्टर गया सिंह प्राचार्य हरिश्चंद्र कॉलेज कितना सही वो मैं नहीं जानता, लेकिन हां काशीनाथ सिंह जी कहते हैं कि एक दरोगा साहब आते हैं और वो दुकान को सीज करते हैं, चाय की दुकान को, यानी पप्पू की चाय की दुकान को। उसी बात पे भड़क जाते हैं यानी गया सिंह, और बोलते हैं भांग का संबंध दिव्य निपटान से है, दिव्य निपटान का संबंध तना और मन से है, तना और मन का संबंध मानव अस्तित्व से है, और मानव अस्तित्व का संबंध 80 से है। वो कहते हैं कि 1,000 रुपए बेगारी भत्ता पाने वाले अमेरिकन ब्रिटिशर्स आ करके यहां रहते हैं और बड़े ठाट से क्यों आते हैं वो यहां पे। आज वो कहते हैं कि तुम्हारा 80 मर रहा है, तुम्हारा 80 बहुत व्याकुल हो जाते हैं जब मार्केट कहती है कि 80 मर रहा है, तो एक बड़ी लाइन वो कहते हैं, कहने हैं, बाभनों में तिवारी, ऊंट की सवारी, मैभा महतारी, हैजा की बीमारी, कोहड़ा की तरकारी, लालाओं में पटवारी और अमेरिकन नारी, इन पर कभी भरोसा मत करना। बहुत ही उद्वेलित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कहेंगे सात समुंदर पार से आते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम्हारा 80 मर रहा है, तुम्हारा भारत मर रहा है, तुम्हारी दिल्ली मर रही है, छोड़ो इसे मुझे दे दो, मैं इसे संवारूंगा, सजाऊंगा और तुमको दे दूंगा। अरे इतना मर रहा है तो तुम आ क्यों रहे हो यहां, मेरे शब्द नहीं, इस पुस्तक से उद्धृत शब्द है। इस पुस्तक की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा और कुछ लाइनें यहां से सुनाना चाहूंगा। कहते हैं एक ग्रामीण भाषा में, कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी, अरे कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी, कौन देश का कपड़ा अच्छा, कौन देश का पानी, जोगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, कानपुर का कपड़ा अच्छा, राजघाट का पानी, अरे रामनगर का राजा अच्छा, इटली गढ़ की रानी, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा। इसमें अलग एक जगह कहा जाता है, मिलैया मारे मटकी, हे साधु बाबा मिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा के खैसर खैसी, विष्णु के चबैसी, शिव जी के धरे हिमालय पे पटकी, बिलैया मारे मटकी, हे साधु बाबा बिलैया मारे मटकी। इसकी कुछ लाइनें और जो ग्रामीण जनजीवन से निकल करके और इस पुस्तक तक आई हैं, बाउर भैले हंस चतुर भैले कौआ, बभना के बेदवा पढ़ावत बाटे नौआ, सास के पतोह डांटे बाप के बेटौआ, अमलकिन कोलाहिल बाइन बिना ढरौआ, भैया सुना कलजुग के व्यवहार, अब भैया सुना कलजुग के व्यवहार, केकर केकर लेही नाव अमरी ओढ़ले सगरो गांव, केकर केकर लेही नाव अ कमरी ओढ़ले सगरो गांव, का बताई मितवा दुख देले परछाई, का बताई मितवा। तो ये उपन्यास इस तरह से रचा और गढ़ा गया है कि मुझे नहीं लगता कि इसे किसी भी क्षेत्र को छोड़ा है जिसमें बोलना चाहिए, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है। यहां पर एक मुसलमान द्रवित हो जाता है जब उससे पूछते हैं गया सिंह कि क्या हुआ, कैसे हो और किसको वोट दे रहे हो, तो बड़े प्रेम से वो कहता है कि
मैं इसी 80 में पैदा हुआ, 80 में पला, 80 में बढ़ा और यहीं के लोग मेरे दोस्त हुए। लेकिन आज अगर मैं वोट दे भी दूं तो विश्वास कौन करेगा। इस पर एक पात्र भड़क जाता है, वो कहता है कि आरएसएस के एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि देख लो, यही है 6 दिसंबर की दिन, यही है 6 दिसंबर का दिन कि अब हर वो मस्जिद जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी वो नमाज पढ़ी जाने लगी, हर वो मुस्लिम जो कभी रोजा नहीं रखता था वो रोजा रखने लगा, हर वो मुस्लिम जो नमाज में बकायदा नहीं पढ़ता था 5 समय वो 5 समय पढ़ने लगा। राधेश्याम पड़वा को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पुस्तक हो सकता है कि कहीं कहीं आपको अश्लील लग जाए, गालियां इसमें आपको लगे कि भरी हैं, लेकिन ये ऐसे ही आपको बांधेगी कि शायद एक मिनट का भी समय आपको न दे कि आप कुछ सोच सके, आप इसमें विलीन हो जाएंगे। हां वो बात अलग है कि इस पुस्तक में एक अजीब सा भाव है जो इसकी भाषा ने ही इसे दिया है, और इस पुस्तक की वजह से ही काशीनाथ सिंह आज उच्च कोटि के लेखकों में गिने जाते हैं और उनकी पहचान को यह दर्शाता है। आखिर में धर्मनाथ पंडित जो थे वो अपने धर्म को छोड़ते हैं और ला करके अपने घर में एक विदेशी को आखिर में रखना पड़ता है अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए। वो कहते हैं बहुत दुखी होकर के कि आज संस्कृत बस कर्मकांड में जीवित है, नहीं तो कब की ये मर गई होती। बहुत दुख होता है। तो उम्मीद है ये पुस्तक आपको बहुत अच्छी लगेगी, लाजवाब लगेगी, बेहतरीन लगेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।